हाय एवरीवन, आज हम सब जा रहे हैं मामा मामी के घर और पता चला कि आज वहाँ पास्ता भी बन रहा है तो हम सब टाइम पर रेडी हो गए थे। अब यहाँ से निकल रहे हैं ताकि चाय टाइम तक वहाँ पहुँच जाएं और गप्पे शप्पे मार करके पास्ता वगैरह खा करके वापस आ जाएंगे। घर के पास में ऐसे रिलेटिव्स वगैरह हो तो बहुत मजा आता है। हम उनके घर कभी चले गए, वो हमारे यहाँ पे आ गए। तो मुंबई में यहाँ ज़्यादातर मेरी मम्मी के साइड वाले ही हैं, मामा मामी वगैरह लगते हैं सब मेरे। पापा के साइड वाले सब लखनऊ में रहते हैं। फिर रास्ते में याद आया कि हमें ज्वेलरी शॉप में भी जाना है, तो मामा मामी के घर के रास्ते में ही वो शॉप पड़ती है, तो पहले हम लोग यहाँ चले आए। और यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम लग गया, कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। जैसे देखा अंधेरा होने वाला है, फटाफट काम खत्म किया और यहाँ से सीधा हम लोग फिर मामा मामी के घर पहुँच गए। वैसे अब मेरे रियल नाना नानी तो अब नहीं है, इसलिए जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं मैं आपको मामा मामी ही बताती हूँ। इस टाइम तक सब अपने ऑफिस से आ जाते हैं, पर अभी बड़े मामा यहाँ पे नहीं आए हुए थे, बाकी सब आ गए थे। तो यहाँ मेरे मामा मामी, उनके दो बच्चे आरुष, तितली, प्रिंस मामा और रत्नेश मामा रहते हैं। बाकी और भी लोग हैं फैमिली में जो गांव में और बेंगलोर में रहते हैं। क्या बना रहे हो भाई तुम? पास्ता रेडी है। हाय हाय बोलो। हाय गाइस, पास्ता रेडी है, बस 2 मिनट में रेडी हो रहा है पास्ता। यहाँ पे पास्ता ऑलरेडी बन ही रहा था। सबसे मिलने के बाद पानी वगैरह पिया, तब तक पास्ता रेडी हो गया था, फिर हम लोगों ने पास्ता खाया। पास्ता ये रत्नेश मामा ने बनाया था जो कि बहुत ही मस्त था। खाने के बाद वही बातें वगैरह हुई और लेट नाइट हम लोग फिर घर आ गए थे। फिर नेक्स्ट डे भाई ने ये कुछ कार्टून्स मंगाए हुए हैं जो मैं और भाभी देख करके बहुत ज्यादा हंस रहे थे। ये क्रॉक्स में लगाने के लिए आते हैं, तो ये मेरे भाई और भाभी के में ही लग सकते हैं क्योंकि उन दोनों के ही क्रॉक्स हैं। बाकी हम सबके दूसरे स्लीपर्स हैं तो उसमें नहीं लग सकते हैं। और ये काफी ज्यादा क्यूट लग रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब चीजें भी होती हैं। थोड़े दिन बाद फिर आज अभी हम लोग खाना वगैरह खा करके फ्री हुए थे तो गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करने के लिए आ गए थे। इस बार हम लोग ये हमारे घर के पास जो स्टेशन है वहीं पे ही आए हुए हैं। किसके अंदर से भाई? इतनी गाड़ियां हैं, तुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे कहाँ चलवा रहा है वहाँ? तो मुझे चलाने को ही नहीं मिल रहा, ऐसा लग रहा है। सीखते हैं इतनी सी जगह में और खेलने। अभी आगे ले, बस सीधा कर, ऐसे ऐसे चलाएगी। अरे मुझे अब दिख रहा है ना, मुड़ गया। सीधा हो जाएगा तो बताना क्योंकि यहाँ बहुत रिस्की है। नहीं वो कहीं और जा रहा है। ब्रेक मार दूं क्या? नहीं नहीं पहले तो मुझे बैक नहीं आता है ना, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ। हाँ तो अभी पहले सीधा भी तो नहीं चला पा रही है। रिवर्स पे डालो, आर जिस पे लिखा है। और रिवर्स हो गया, ये दिखने लग गया ना। ब्रेक छोड़, जाने लगे। लगा ब्रेक, फिर आगे डी डाल। एक डी पे तो आई गई। ओह रिवर्स करना तो बहुत इजी है। ये यहाँ इन लोगों ने गाड़ी क्यों खड़ी की? पहले तो नहीं थी ये गाड़ी। उधर भी देखना, टकरा देगी क्या उसमें? इधर से मोड़ लो। ओ ये कब आई गाड़ी? ये थी नहीं मान रही हूँ, देख के चला। मुझे रिवर्स करना भी नहीं आता था तो आज मैंने वो भी सीख लिया है। अब दिख नहीं रहा है ना, तो हैंडल घुमाना नहीं होता है, अंदाजा भी लेना होता है। स्लो स्लो कर, ब्रेक लगा। क्या कर रही है? दिख रहा है कहाँ जा रही है? अभी ऐसे मोड़ के, अगर वो अपने आप जा रहा था पता है, मैंने तो ब्रेक पे ही रखा हुआ है। अगर मोड़ के पीछे से लेके ऐसे इधर लगाना हो, ऐसे घुमा के, तो कैसे लगाएगी? इसको घुमाएंगे। अच्छा इधर घुमाएगी तो इधर जाएगा? मुझे नहीं पता है। थोड़ा और आगे, बहुत आगे है वो स्कूटी, मुझे दिख रहा है। यार सीट को ना बीच में बनाना चाहिए था। अच्छा समझ नहीं आ रहा मुझे यार, ऐसे नहीं मोड़ते हैं गाड़ी। देखना अभी कितने अच्छे से मोड़ा है। अब देख तू सीधे जा रही है क्या? ऐसे टेढ़े में क्यों चल रही है? मुझे तो सीधा ही लग रहा है। तुझे सीधा लग रहा है ना, पर सीधा है नहीं। देख तू टेढ़ा लेके जा रहा है। टेढ़ा नहीं कर रहा हूं अभी। देख 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 कहां लेके जा रहा है तू, देख ले, तू खुद देख ले, मैं नहीं लेके जा रही हूं। अब उधर की तरफ देखना कितना तूने मुझे इधर दिया है, मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे तो लग रहा है सही दिया होगा तुमने इधर की तरफ कितना दिया। खुद भी अंदाजा लगाना सीखना। अब मैं तो इधर की तरफ लगा ही, इधर का फिर इधर का कौन देखेगा? इधर का भी तो खुद को ही देखना है ना। वो कितनी तेज भाग रहा है, देख रहा है? स्लो कर, ब्रेक थोड़ा ब्रेक दबा।
यार तेरे को भी बहुत टाइम लगेगा चलाने। अच्छा मैं ही तो चला रही हूँ अभी, और कौन चला रहा है? ऐसे ही इसको चलाना नहीं बोलते हैं। यार कैसी बातें कर रहा है, मुझे समझ से बाहर है। गाड़ी अपने आप चल रही है ना? हाँ। और हैंडल कौन चला रहा है? मैं। तू चला रही है पर हैंडल परफेक्ट नहीं चला पा रही है। बीच में नहीं है ना गाड़ी, अभी बीच में चल रही है गाड़ी। कुछ सोचना क्यों? मैं क्या सोचूं? अकेले लेके जाना होगा तो वैसे ही देखूंगी ना। अभी देख मोड़ रही हूँ कि नहीं मोड़ रही हूँ मैं, तू बता। मैं ही तो मोड़ रही हूँ, अब देख मैं सीधा भी ले आऊंगी थोड़ा इधर की तरफ, क्योंकि मुझे वहाँ उसके ऊपर लाइट दिख रही है तो मैं उधर नहीं लेके जाऊंगी। ये देख मैंने ही मोड़ा है, ये देख। अभी रुक जा रुक जा, मैं मोड़ रही हूँ, रुक जा तू। और अब तू देख थोड़ा सा देख सकते हैं, ये मेरा हिसाब है चलाने का। अब घर चलते हैं कितना? हाँ मैं चला के ले चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा एक्सीलेटर दे सकती हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एक्सीलेटर यहाँ देते हैं एकदम जब मोड़ पे आने लगे तब? तब तक पहुँचा रही थी ना मैं अपना पैर। इतना धीरे तो आराम से ब्रेक लगाया फिर भी। रुक जा मुझे रोकने दे, अब पहले इसको पी पे कर दूँ, पी और हैंड ब्रेक। फिर थोड़ी देर प्रैक्टिस करके हम लोग घर वापस आ गए थे। यहाँ पे ये साइकिल भी खड़ी थी तो मन कर गया चलाने का, कोई था नहीं आसपास कि पूछ ले चलाएं कि ना चलाएं, तो हमने बस ऐसे ही एक दो राउंड लगाया और रख दिया, क्योंकि जिनका था उनसे पूछना भी जरूरी था, पर यहाँ कोई था ही नहीं तो बस चला के हम लोग वापस घर आ गए। कुछ दिन बाद पता चला कि मेरा कमरबंद और मम्मी का जो मंगलसूत्र दिया था वो भी रेडी था, तो हम लोग वो लेने आ गए थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे इन्होंने दिखाया, तुरंत देखते ही तो इसमें कुछ कमियां समझ में नहीं आई। बहुत देर बाद जब मैंने ध्यान से देखा तो मम्मी का मंगलसूत्र जो था ना वो उन्होंने उल्टा ज्वाइन किया हुआ था। जैसे ही मैंने उनको बताया, पहले तो वो मानने को ही रेडी नहीं है कि गलती हुई है। फिर मैंने ध्यान से उनको दिखाया और समझाया कि ये आपने गलत किया हुआ है। मैं आपको समझाती हूँ गलती क्या थी। उसमें दो डिजाइन थी, एक आगे की साइड और एक पीछे की साइड। तो जो आगे वाली साइड थी और पीछे वाली साइड थी वो उन्होंने अलग अलग कुछ ज्वाइन किया हुआ था, तो वो सब मैंने उनको समझाया और वो सब ठीक करने के लिए दे दिया। मेरे कमरबंद में उनको ज़्यादा कुछ तो करना नहीं था, फिर भी उन्होंने सही से अभी तक नहीं बनाया था। ऊपर से जो उन्होंने उसमें लटकन लगाया था ना वो तो एकदम ही बकवास लगा मुझे। जो हम लोगों ने यहाँ पे चेन पसंद की थी ना उसको हमने बोला था कि इसको थोड़ा सा लेंथ बढ़ा करके और लटकन लगा करके दे देना। उन्होंने चेन को तो बढ़ाया नहीं था, लटकन सिर्फ लगा दिया था, वो भी बकवास सा था। तो ये मैंने उनको अभी दोबारा बनाने के लिए दिया हुआ है। आप समझ रहे हो मैं चेन के साइज को बढ़ाने के लिए बोल रही हूं। मैं चेन लेंथ बढ़ाएंगे ना तो मजा नहीं आएगा, फिर वो जो कड़ी रहेगी ना वो कड़ी तो इतनी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ दो चाहिए कड़ी, जैसे दो कड़ी नहीं है। अब दो लटक रहे वो समझ नहीं आ रहा है मुझे। ऐसा कुछ नहीं, वो अच्छा है, खराब नहीं लग रहा है, वो अच्छा ही लग रहा है। एक बड़ा छोटा ऐसा जाए वो लग रहा है आपको, उसको पसंद नहीं है। इनको अच्छा समझ करके हम लोगों ने ऑर्डर दिया था, और जब से ऑर्डर दिया ना ये चौथी बार है जो हम लोग यहाँ पे आए हैं और अभी तक सही से ये बना नहीं है। भगवान जाने कि ये लोग बना भी पाएंगे कि हम लोग गलत जगह पे ही आ गए हैं। तो मैंने ये लॉक चेंज करने के लिए और लटकन दूसरा लगाने के लिए बोला है, अब बस ये सही से कर दें। और इसमें मैंने कुछ भी इनको करने के लिए नहीं बोला हुआ है क्योंकि मैं खुद परेशान हो गई हूँ। इतना कुछ मैंने बोला भी नहीं था जिस हिसाब से ये बना ही नहीं पा रहे हैं। ये सब बहस करने में बहुत लेट हो गया था तो भाई ने बोला बाहर ही खा लेते हैं वरना कौन घर पे चलेगा और फिर बनाएगा। तो हमने हमेशा की तरह स्टार्टर में वेज कबाब, पनीर की सब्जी और बास्केट रोटी लिया था। मम्मी का व्रत था तो मम्मी ने फ्रूट सैलेड खाया था। यहाँ का खाना हमें पसंद है और ये घर के पास भी है तो हम लोग यहीं पे आ जाते हैं। और ये सब खाने के बाद हम लोग फिर घर आ गए थे। वीडियो मैंने इतना ही शूट किया था तो यहाँ पे वीडियो अब ख़त्म हो रही है। अब जाने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।